गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा सेकंड चैप्टर इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसमें फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड पढ़ रहे थे। इसमें हंटर गैदरर के बारे में पढ़ा, फिर डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में पढ़ा था। अब हम ए चेंजिंग एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट का बदलाव है जो किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में देखो। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। यानी कि लगभग 12,000 वर्षों पहले हमारी यानी कि जो पूरे संसार की जो क्लाइमेट है उसके अंदर एक मुख्य परिवर्तन आया। यानी कि मुख्य परिवर्तन क्या था कि जो जलवायु थी वो गर्म हो गई थी। इन मैनी एरियाज़ दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स। यानी कि गर्म जलवायु होने के कारण अनेक जो भी क्षेत्र थे उनका ग्रास लैंड्स के अंदर डेवलपमेंट हुआ। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर एंटीलोप्स गोट सीप एंड कैटल्स। यानी कि इससे जो डियर्स हैं उनकी संख्या में इंक्रीजमेंट हुआ। एंटीलोप्स हैं, गोट है, सीप है और केटल है, मवेशी हैं। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो केवल घास के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं उन एनिमल्स की संख्या है वो बढ़ी। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम लर्निंग अबाउट दियर फूड हैबिट्स एंड दियर ब्रीडिंग सीजन्स। यानी कि जो लोग जानवरों का शिकार करते थे नाउ फॉलोड देम लर्निंग अबाउट दियर फूड हैबिट्स, अब उन्होंने अपनी भोजन संबंधी आदतों के बारे में जाना एंड दियर ब्रीडिंग सीजन्स और ऋतुओं के बारे में जाना। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देम सेल्वेज। यानी कि इससे लोगों को यह जानने में सहायता मिली और उन्होंने यह सोचना शुरू किया कि किस प्रकार से जानवरों को पाला जाए और झुंड में रहा जाए। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, और इन सब में जो फिशिंग है, मछली पालन है, वो सबसे महत्वपूर्ण था। द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि उन्होंने खेती की शुरुआत और झुंड में रहने की शुरुआत किस प्रकार की या उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग व्हीट बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि यह वह समय था जिसमें जो अनाज है या बड़ी बड़ी घासें थी अनाजों के अंदर, जैसे गेहूँ है, जो है और चावल है, वो प्राकृतिक रूप से उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में उगने लगे थे। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड व्हेन वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे रिपाइंड। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड, यानी कि महिलाएं, पुरुष और बच्चे हैं वो अनाजों को इकट्ठा करने लगे थे अपने भोजन के रूप में, और वो यह भी सीख गए थे कि किस प्रकार से इनको उगाया जाए और कैसे ये पकते हैं। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन दियर ओवन। यानी कि जो फार्मिंग के बारे में इन लोगों ने यह सोचा था कि अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन दियर ओवन, यानी पौधे जो हैं वो स्वयं से उगते हैं। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, इस प्रकार से लोग जो थे वो किसान बन गए थे। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर दियर शेल्टर्स। यानी कि जो लोग थे वो जानवरों को पालने में आकर्षित हुए by living food for them near their shelters, और उनके आश्रय पे भोजन देने लगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। यानी सबसे पहले जो जानवर पाला गया था यानी कि पुरुषों के द्वारा वो कुत्ता था। लेटर पीपल इंक्रेज्ड एनिमल्स दैट वेयर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। यानी इसके बाद में लोगों ने यह यानी कि अनुभव किया दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड, कि जिस कैंपस में रहते हैं उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। दीज एनिमल्स सच एज सीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। यानी कुछ जानवर थे जैसे कि भेड़ है, बकरी है, विभिन्न प्रकार के मवेशी हैं, और जो सुअर हैं जो झुंडों के अंदर रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और लगभग जो घास ही खाते थे। ओपन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय द अदर वाइल्ड एनिमल्स।
और प्राय लोग यानी कि इन जानवरों से अपने आप की सुरक्षा करते थे, अन्य जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स, और इस प्रकार से उनका एक झुंड बनने लगा।